भारतीय क्रिकेट टीम को लंबा ब्रेक मिला है। अगले महीने से होगी मैदान पर वापसी। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही सीरीज समाप्त हो गई है, लेकिन भारतीय टीम को अब लंबा ब्रेक मिला है। टीम इंडिया अगस्त में कोई भी मैच नहीं खेलेगी और सितंबर में भी पहले हाफ में कोई मैच नहीं है। सितंबर में बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जहां दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी, इसलिए काफ़ी अहम रहेगी। सितंबर में भारतीय टीम केवल दो ही इंटरनेशनल मैच खेलते हुए दिखाई देगी। अक्टूबर में टीम इंडिया का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने वाला है। बांग्लादेश के ही खिलाफ T20 सीरीज होगी और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी, यानी अक्टूबर में लगातार मैच होते हुए नजर आएंगे। इस साल भारत ने केवल 3 ही वनडे मुकाबले खेले हैं, जो अभी अभी श्रीलंका में खेले गए थे। इसके बाद अब इस पूरे साल कोई भी वनडे नहीं है। अगले साल फरवरी में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी, तभी वनडे मैच होंगे। इसके बाद तुरंत चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी, यानी भारत के पास तैयारी के लिए केवल 3 ही मुकाबले और बचे हैं। देखना होगा कि खिलाड़ी अपने आप को कैसे तैयार करते हैं,